हिंदुस्तान में आज भी दलित लोगों पर काफी ज्यादा जुल्म किया जाता है, लेकिन इस बात को मानने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन अगर हमको सही मायने में डेवलप्ड कंट्री बनना है तो जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक इसी की एक कहानी भोपाल से निकल के आ रही है, जहां पर एक महिला, एक दलित महिला को, टू बी मोर एग्जैक्ट एक प्रेग्नेंट महिला को किडनैप किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, यहां तक कि उस महिला का यह भी कहना है कि उनके साथ रेप किया गया है। पूरा मामला क्या कुछ हुआ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री के सामने भी नहीं आती, उनका यह कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने को तैयार है। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको ये बात कहनी पड़ी, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह, समाचार 2.0 में आपका स्वागत है। एक पेड़ ना काटने के लिए कोई किसी के साथ क्या क्या कर सकता है, ये बात उस भोपाल की कहानी से रिलेटेड है, जिस महिला को किडनैप किया गया, उनके पति से एक पेड़ काटने को कहा गया था एक बाहुबली के खेत में, उनके पति ने पेड़ काटने से मना कर दिया, तो उनकी बीवी को, उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उनके दो बच्चों को और सास को इस बाहुबली ने किडनैप करवा लिया, जिसके बाद उनको मारा पीटा। 4 दिनों तक ये सारी चीज चली, किडनैप करके उनको रखा गया था, जिसके बाद एक लोकल जर्नलिस्ट को इस बारे में पता चला तो उसने पुलिस को बताया, पुलिस वहां पर पहुंची, सबको वहां से निकाला, सबको रेस्क्यू किया। उसके बाद महिला ने FIR दर्ज कराई, उन्होंने कहा कि मेरे को किडनैप किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई है, यहां तक कि मेरे साथ रेप भी किया गया, लेकिन पुलिस ने रेप का एंगल FIR में लिखने से मना कर दिया। जिसके बाद उस महिला ने मीडिया के सामने जाके बोला कि मेरे साथ रेप किया गया, तब कहीं जाके पुलिस मजबूरी में उनको रेप का भी केस रजिस्टर करना पड़ा। अब आप सोच के देखिए कि सिर्फ ये एक दलित महिला थी, अगर उस जर्नलिस्ट को इस बारे में पता नहीं चलता तो कोई आवाज भी नहीं उठाता कि किसी को किडनैप करके रखा गया। अगर उस महिला ने मीडिया वालों के सामने जाके नहीं बोला होता कि मेरा रेप किया गया, तो पुलिस रेप का भी केस रजिस्टर नहीं करती। फिलहाल उस बाहुबली के साथ जो और लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस कांड में अपना हाथ दिया है, उनको फिलहाल पुलिस ढूंढने में लगी है, पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। मैं आपको इसमें 3 न्यूज अपडेट देने वाला हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों के लिए काफी अच्छी खबर, हमने पिछले सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर कोविड के केसेस में 50% गिरावट दर्ज की है। जी हाँ, जिस पीक तक हम पहुंचे थे वहां से अब 50% कोविड के केसेस कम हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या में भी 18% की गिरावट दर्ज की गई है। अब कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की ड्राइव को भी बढ़ाया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की आपको बताता हूँ, दूसरे जगहों का नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपने गाँव की बात बताता हूँ। मेरे गाँव में लोगों को कहीं जाके लाइन लगा के वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। वहां पर किसी एक गाँव को चुना जाता है, वहां पर जाके कैंप लगाया जाता है और उसी गांव के लोग उधर पे जाके अपनी वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन खत्म हो जाने पर उन्होंने कहा कि हम कल वापस आएंगे, आपको इनिशिएटिव लेना है और आके अपनी वैक्सीन लगानी है। यानी कि कोविड के केसेस भी कम, वैक्सीनेशन भी लोगों को लग रही है। तीसरी बात मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूं। महाराष्ट्र की सरकार ने 15 जिलों में दुकान के खुले रहने के समय को बढ़ा दिया है, नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी डिलीवरी को शुरू कर दिया। इन 15 जिलों में मुंबई, थाने, पुणे भी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ अच्छे फैसले निकल के आ रहे हैं। कई सारे स्टेट्स ने इस बात की सजेशन दी थी कि प्रधानमंत्री जिन बच्चों के माता पिता अब इस दुनिया में कोविड की वजह से नहीं है, उनको हर महीने कुछ पैसे दिए जाए, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा को बिल्कुल भी मुफ्त कर दिया जाए। इस बात को प्रधानमंत्री ने स्वीकार लिया है। हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे जिनके माता पिता कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, उनको बिल्कुल भी जब तक जितना पढ़ना है पूरी एजुकेशन सरकार की तरफ से मुफ्त, और 18 साल के बाद 23 साल तक उनको स्टाइपमेंट भी हर महीने दी जाएगी। 23 साल की उम्र जब उनकी पूरी हो जाएगी तब उनको एक लम सम पैसा दिया जाएगा, बड़ा अमाउंट, जिससे वो अपनी जिंदगी में कुछ और भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सरकार की तरफ से काफी बेहतरीन फैसला। मुंबई में चल रहे वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताता हूं। पिछले 2 दिनों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन ज्यादा लगी है एज कम्पेयर टू BMC, यानी कि जो सरकार मुफ्त में लगा रही है। परसों की बात है,
60% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई गई, सिर्फ 40% वैक्सीन बीएमसी यानी कि सरकार ने लगाई, और कल 70% वैक्सीन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगाए और बीएमसी की तरफ से सिर्फ 30% वैक्सीन लगी। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अमूमन ₹1,000 एक वैक्सीन का आपको लग जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास वैक्सीन ज्यादा है और सरकार के पास कम। अच्छा, लोगों के बीच कोविड का डर तो बढ़ा है। मैं उत्तर प्रदेश की आपको कहानी सुना रहा हूँ। अब इन जनरल लोग पेरोल के लिए अप्लाई सालों तक करते रहते हैं कि उनको जेल से बाहर निकलने का एक मौका तो मिले। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद गुंडे, डाकू, क्रिमिनल्स, चाहे जो भी हो, 21 ऐसे कन्विक्ट्स हैं जिनको पेरोल इशू किया गया है। जी हाँ, जिनको जेल से बाहर निकलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि नहीं, हमको जेल से बाहर नहीं निकलना, हम जेल के अंदर ही ठीक है। इन शॉर्ट वो भी समझ गए कि जेल से बाहर निकल के बाहर जाके मरने से अच्छा है हम जेल के अंदर ही सड़ते रहें। अगली खबर मुंबई के पास थाने से निकल के आ रही है, जहां पर एक 32 साल की महिला ने अपने ही भाई की जान ले ली। कोर्ट ने उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है, यानी कि आजीवन कारावास, और दूसरी तरफ ₹1,000 का फाइन भी मारा। लेकिन जो इनका भाई था वो अपने परिवार वालों को काफी ज्यादा परेशान करता था, शराबी था, अनएम्प्लॉयड था, उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, जो देश में ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। पर एनीवेज वो अपने परिवार वालों से शराब पीने के लिए पैसे मांगता था और ना देने पर झगड़ा करता था। ठीक उसी तरह एक रात को ₹500 इसने मांगे, उन्होंने देने से मना कर दिया तो गुस्से से घर छोड़ के चला गया। वापस आया और इस बार ₹2,000 मांगे। इस बार उसकी बहन भी काफी गुस्सा हो गई और डंडे से मारना शुरू कर दिया और डंडे से मार मार के उसकी जान ले ली। मेहुल चोकसी, जिसने पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला किया, उसके खिलाफ केस चल रहा था, लेकिन अचानक से उसने इंडिया छोड़ के भाग गया। अभी फिलहाल डोमिनिका में है। इंडिया की रिक्वेस्ट पे वहां की पुलिस ने उसको ढूंढना भी शुरू किया। अब उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और पहली पिक्चर्स पुलिस कस्टडी में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इन पर आप अपनी नजर डालिए। वहीं दूसरी तरफ अब इंडिया उसको वापस अपने देश बुलाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके खिलाफ केस चलाया जा सके। लेकिन अब डोमिनिका का यह कहना है कि उसने उनके देश में इलीगली घुसा है, तो अब फिलहाल वो उनका केस चलाएंगे। तो अब दिल्ली के लिए एक और परेशानी उसको हिंदुस्तान वापस बुलाने के लिए। यहां पर लोग हजारों करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर देते हैं और यहां से भाग जाते हैं, और हम यहां पर उनको बुलाने की कोशिश करते रह जाते हैं और कुछ ना कुछ परेशानी आई जाती है। यूट्यूबर भैया पारस सिंह, उनकी परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने कांग्रेस के एक सीनियर एमएलए के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स किए थे, यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी इसमें घसीटा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट के सामने उनको पेशी की गई। तो अब कोर्ट ने 6 दिन की जुडिशियल कस्टडी जेल में उनको भेज दिया है, उनके खिलाफ पूछताछ की जा रही है। यानी कि अगर आप अब सोशल मीडिया पर कुछ किसी के खिलाफ गलत बोलते हैं तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना जो है काफी जरूरी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से तुल पकड़ रहा है। उनके जो फ्लैटमेट थे, जो उन्हीं के साथ रहते थे, सिद्धार्थ पटानी को एनसीबी ने, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो सीबीआई है उनके नए डायरेक्टर बने। लोग भी ट्विटर पर उनसे काफी दरख्वास्त कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को ज्यादा सीरियसली लिया जाए, उनके केस में ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि पता चल सके कि आखिर में हुआ क्या था। रेसलर सुशील कुमार, जिनको मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में उनको भेजा गया था। उसके बाद 4 और दोस्त उनके अरेस्ट हो गए। 2 दिन पहले 2 और लोगों को इस पूरे मामले में अरेस्ट किया गया है और अब कोर्ट ने पुलिस कस्टडी को 4 और दिनों से एक्सटेंड कर दिया है। चलिए, तो अब आपको आज की सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि मैं बंगाल की मदद करने के लिए दीदी तैयार हूं, लेकिन आप एक काम करो, आप सबसे पहले मेरे पैर छुओ, तो मैं उनके पैर छूने के लिए तैयार हूं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। आखिर में हुआ क्या, तो दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको वापस दिल्ली मंडे को 10 बजे तक रिपोर्ट करने के लिए कहा, यानी कि उनको दिल्ली वापस बुला लिया गया, जिस पर ममता बनर्जी परेशान है। अब आखिर ऐसा हुआ क्यों,
एक मीटिंग थी जहां पर प्रधानमंत्री और ममता दीदी को एक साथ मिलना था। उस मीटिंग में दीदी नहीं पहुंची, अपने पॉलिटिकल गुस्से को लेके कह लीजिए, एरोगेंस कह लीजिए, जो आपकी मर्जी, वो वहां नहीं पहुंची। शायद इसी बात से सेंटर ने नाराज होकर चीफ सेक्रेटरी को ही बंगाल के वापस दिल्ली बुला लिया। अब ममता बनर्जी का कहना है कि यार मोदी जी हमको काम करने दो, आप हमारे काम में सिर्फ रुकावट डाल रहे हो। चीफ सेक्रेटरी को वापस ना बुलाया जाए, अभी 3 महीने की एक्सटेंशन अप्रूव की गई थी 4 दिन पहले ही, लेकिन अब उसको कैंसिल करके दिल्ली बुला लिया गया। उनका ऐसा कहना है कि चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर रहने दो, जो लोग कोविड से परेशान हैं, जो लोग साइक्लोन से परेशान हैं, उनकी मदद चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, आप उनको वापस बुला लेंगे तो हमारे काम में परेशानी होगी। अब आखिर ममता बनर्जी परेशान हो भी तो क्यों ना हो। अब आप इस मामले पर क्या सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।